धर्मेंद्र जी, आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ जिसमें कि आपके यहाँ पर सुशील गुप्ता जी भी आए थे, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मंत्रणा इसी पर? ये लोकसभा का कार्यक्रम था और पिछले साल भी हुआ था, और जैसे लोग चुनाव सर पर हैं तो उसके लिए लोकसभा मीटिंग हुई। एक गारंटी कार्ड एक लॉन्च हुआ है, जो हमारी पूरी टीम और कार्यकर्ताओं की पूरी टीम घर घर जाने का काम करेगी, और सभी लोगों का घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे। एक गारंटी दे रहे हैं हम सभी लोगों को कि 24 घंटे बिना कट के लाइट मिलेगी लोगों को, और 300 यूनिट फ्री मिलेगी, और इसी के साथ जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार देने का काम करेगी। जब तक उनको रोजगार ना मिले तो 3,000 रुपये हर महीना भी मिलेगा। तो वो गारंटी कार्ड आज लॉन्च किया है, और इसको अगले 10 दिन में हम पूरा डोर टू डोर पूरे विधानसभा में करने वाले हैं। उसी के लिए आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। क्या कुछ लगता है कितना जनता प्रभावित होगी आपके इस गारंटी कार्ड से, कितनी वोट परसेंटेज बढ़ेगी आपके गारंटी कार्ड? देखिए, पिछले 10 साल से भाजपा का कार्यकाल रहा है, उससे पहले 10 साल कांग्रेस रही है, लेकिन इस 20 साल में बिजली का बिल लेने के बावजूद भी ये 24 घंटे अभी तक बिजली नहीं दे पा रहे हैं। पूरी पूरी रात कट लगते हैं। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो पूरी पूरी लाइट नहीं जाती, लाइट नहीं रहती यहाँ पर, तो लोग खासा परेशान है। कभी किसी वार्ड के लोग, कभी किसी गांव के लोग आए दिन बिजली बोर्ड पर प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अब लोग अपना काम धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये पिछले 20 साल में बिजली देने का काम नहीं कर पाए। लेकिन पंजाब में और दिल्ली के अंदर हमने लोगों को 24 घंटे लाइट दिए, वो भी मुफ्त में, तो वही 24 घंटे मुफ्त में लाइट देने का हमारी पार्टी काम करेगी। उसके लिए गारंटी देने हम घर घर जा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल आपसे, अक्सर नेता जनता को वादा तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन बाद में वो नेता से अभिनेता के दौरे पहुंच जाते हैं और जनता तक पहुंच नहीं पाते, ये अक्सर शिकायत रहती है, इसको कैसे देखते? बिल्कुल सही कहा आपने, नेता क्या झूठे वादे करते हैं और बाद में कहते हैं कि वो तो एक जुमला था। लेकिन केजरीवाल की गारंटी पूरी दुनिया में मशहूर है, केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी है वो सारी गारंटी पूरी होती है, और केजरीवाल की गारंटी पे लोगों को भरोसा है। अभी 5 गारंटियां हरियाणा के अंदर दी हमारी पार्टी ने। पहली गारंटी है बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, दूसरी गारंटी 24 घंटे लाइट देंगे वो भी मुफ्त में देंगे, तीसरी गारंटी है जो 18 साल से ऊपर जो महिलाएं लड़कियां होंगी उनको 1,000 रुपये हर महीना देने का हमारी पार्टी काम करेगी, अच्छे स्कूल खोलेगी, टीचरों की जो कमियां हरियाणा के अंदर 30,000 भर्तियां खाली हैं उनको भरने का काम करेगी, मुफ्त अच्छी शिक्षा देने का काम करेगी, और 5वीं गारंटी हमारी यहाँ मोहल्ला क्लिनिक जिसमें लोगों को दवाइयां फ्री मिलेंगी, जिनके टेस्ट फ्री होंगे, और अस्पतालों को अच्छा करेंगे, डॉक्टर की भर्ती करेंगे उसके अंदर, जिनमें मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त दवाइयां मिलेंगी, मुफ्त ही उसके अंदर सारे टेस्ट होंगे। तो 5 गारंटियां अभी हरियाणा के लिए पार्टी ने दी है। सबसे बड़ी समस्या क्या है सोना के अंदर, 7 लाख आबादी है यहाँ पर, और एक गवर्नमेंट कॉलेज हमें ये नहीं दे पाए। 2 कॉलेज इन्होंने, एक कॉलेज वहाँ रिठौज खोलने का काम किया, एक बिस्सर में खोलने का काम किया ताउड़ ब्लॉक के अंदर, लेकिन वो कॉलेज अब तक भी शुरू नहीं कर पाए पिछले ये 10 साल के अंदर। अभी भी बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और शिक्षा का बहुत अभाव है सोना के अंदर, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है शिक्षा में हमारा। एक सरकारी हॉस्पिटल है हमारे सोना के अंदर, उसमें आईसीयू बेड नहीं है, उसमें दवाइयां नहीं है, उसमें डॉक्टरों की भारी कमी है, और एक हल्की सी 15 मिनट की बारिश अगर सोना के अंदर हो जाए तो पूरा बाजार हमारा डूब जाता है। पानी का निकासी का कोई भी साधन नहीं है। सोहना के चार तरफ इतने टोल लगे हुए हैं, चाहे फरीदाबाद से आए, चाहे बल्लमगढ़ से आए, चाहे आप पलवल से आए, चाहे आप रेवाड़ी पटौदी से आए, चाहे गुड़गांव से आए, चार तरफ से अगर आप आएंगे तो सोहना में आने का आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत सारी अनोखे ऐसी समस्याएं हैं, और टोल टैक्स तो ये ले रहे हैं, लेकिन सोहना के चार तरफ के सारे गाँव के सारे देहात के सारे रोड टूटे पड़े हैं यहाँ पर। आज पिछले 20 साल से उन रोड को बनाने वाला कोई यहाँ पर नहीं आया। अभी लोगों को वोट चाहिए यहाँ पर, विधायक भी बनते हैं लेकिन काम नहीं करते लोग। सब लोग यहाँ से विधायक बनने के बाद अपना कोई गुड़गांव बैठा होता है, कोई दिल्ली बैठा होता है, जनता मरे तो मरे, इनको जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। लोग महिला सुरक्षा 6 बजे बाद हमारे यहाँ सोना से सोना महिला निकलती ही नहीं है, असुरक्षा का माहौल है। महिलाओं तो छोड़ो, पुरुषों के लिए भी असुरक्षा, आए दिन बाजारों में फिरौती मांगी जाती है, गोलियां चलती हैं, चोरियां होती हैं, रात को दुकानें के ताले तोड़कर चोरियां हो जाती हैं। तो सोहना तो क्या, आप देखो ना पूरा हरियाणा, हरियाणा के अंदर आए दिन क्या है, मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर वन है। जब तक रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा तब तक क्राइम खत्म नहीं हो सकता। रोजगार है नहीं, आज के जो नए युवा है वो नशे की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद क्राइम करते हैं। क्या
चार तारीख को अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया और जिताकर आपको विधानसभा पहुंचा दिया तो क्यों मुद्दे आप मनवा रहे हैं, तो क्या वास्तव में आप भी पूरे करेंगे और नेताओं की तरह अभी टीवी चैनलों पर और जनता के बीच जाकर घोषणा के नेता बनते रह जाएंगे? 2016 में मैंने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था और 12 गांव मेरे वार्ड के अंदर आते थे। मैंने उन गांव में जो जो वादे किए थे लोगों से, वो सारे वादे मैंने पूरे किए। अब जाके पता करें वहां पर, चाहे गढ़ी गांव की बुगनों की चपाल हो, बहुत त्रस्त टूटी पड़ी हुई थी वो, पिछले 50 साल पुरानी वो चौपाल थी, किसी ने बनाने का काम नहीं किया। मैंने चुनाव से पहले उनको वादा किया था और मैंने उस चौपाल को बनाने का काम किया। चाहे गाँव रिठो हो, चाहे शहजाबाद हो, चाहे बैलपा हो, चाहे भैपुर हो, जो भी गाँव हो, मैंने हर गांव में सारे काम कराए और जो वादे हमारी पार्टी यहाँ कर रही है वो सारे वादे पूरे होंगे। दिल्ली की तर्ज पर काम होंगे, पंजाब की तर्ज पर काम होंगे, हरियाणा में भी। धर्मेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे कि जो सोहना विधानसभा है वहां पर जो भी नेता जीते हैं, विधायक बने हैं, वो सभी बाहर के रहे हैं, सोहना विधानसभा के अंदर के गाँव के नहीं रहे। ऐसे में आप पहली बार अपने आप को किस तरह से देखते? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर पिछली बार भी ये बाहरी का और विधानसभा का मुद्दा चला था और अभी भी ये मुद्दा चल रहा है कि बाहरी और सोहना विधानसभा का। जाहिर सी बात है, जब सोहना विधानसभा के जो नेता हैं अगर वो टिकट लाने में सक्षम नहीं होते हैं और बाहर का व्यक्ति टिकट ले आता है तो लोगों को तो वोट डालनी ही डालनी। पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जबरदस्त मेहनत कर रहा है, पूरी ताकत के साथ इस चुनाव के लड़ेंगे। बीजेपी के फर्जी संगठन जिसपे कहते हैं कि पन्ना प्रमुख है, वो पन्नों को आंधी में उड़ा दे। आम आदमी पार्टी बिजली की गारंटी दे रही है, 24 घंटे बिजली, हर मीटर पे 300 यूनिट बिजली मुफ्त घरेलू मीटर पे, और दिसंबर 2023 तक के पुराने बिल माफ। आम आदमी पार्टी हर पढ़े लिखे युवा को रोजगार देने की गारंटी दे रही है। केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं हर महिला को 1000 रुपए महीने। बीजेपी ने 10 साल राज के साथ साथ अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को नकारा समझ के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और उनके साथ नायर सिंह आए। नायर सिंह घोषणा मंत्री बन के चले गए, मुख्यमंत्री तो शायद नहीं बने क्योंकि काम उन्होंने एक भी नहीं किया। घोषणा की, उनको पता था कि चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, आप एक नौकरी नहीं दे पाएंगे, आप एक काम नहीं कर पाएंगे। परंतु हरियाणा की जनता को मूर्ख बनाने के लिए घोषणा मंत्री जी ने घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इन्होंने टॉप लेवल पे सीधी भर्ती शुरू की आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भरेंगे, और ये केवल और केवल संविधान को तोड़ मोड़ के किसी तरीके से वर्षों से जो दबे रहे, पिछड़े रहे, उन लोगों के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। हरियाणा में अपराध को खत्म करना है, गुंडा राज को खत्म करना है, कानून के राज को स्थापित करना है। सर, किससे मुकाबला? हरियाणा में नशे के कारोबार को खत्म करना है। सर, आप किससे मुकाबला मान चाहते हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से? आम आदमी पार्टी किसी से मुकाबला नहीं करती। आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है और व्यवस्था बदलने का काम करती है। लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर लोकसभा में हार के बाद आरोप लगाया जा रहा है, लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक बात साबित कर दी। जेजेपी, इल्लो और बीएसपी इस स्टेट में अपने 30 कैंडिडेट खड़ा करे और 30 में से 30 के 30ों की जमानत जब्त हुई। 30 उम्मीदवारों की टोटल वोट मिला के आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार से 1.5 लाख से फालतू कम थी। तो हरियाणा की जनता ने इस लोकसभा के चुनाव में तय कर दिया कि हरियाणा में तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी।